इस बयान का प्रत्युत्तर भी आया है अभय मिश्रा जी की तरफ से। उन्होंने कहा कि रीवा सांसद कोरेक्स पीते हैं और इसलिए वो जरूर बयान देते हैं। मेडिकल चेकअप हो जाए तो पता चलेगा कि नशा कौन करता है कौन नहीं करता है। अरे साहब लहर है, आप देख नहीं रहे हो, हर आदमी बोराया हुआ है, एकदम सनक सवार है लोग। बीजेपी को खत्म करने के लिए योजना बनाए हैं, जैसे कबड्डी के खेल में जब कोई खिलाड़ी को बोलने जाता है तो पकड़ने वाला आदमी एक दो नहीं पकड़ता, वो चैन बना करके पकड़ता है। बीजेपी तो इस बार सिरमौर विधानसभा में बच नहीं सकती और ऐसी इसकी आने वाली सियासत विरासत खत्म होगी कि जैसा कि सर्प को जब मारते हैं लोग तो उसका मूड कुचट देते हैं जिससे कि कभी वो जिंदा ना हो सके। विधायक तो बहुत थी यार, पर मिल रही है क्या करेगा, अनाज फ्री में मिल रहा है, निराधार वाले को 1500 रुपए दे रहा है, और काश्तकारों को भी, किसानों को भी जो भी दे रहा है दे ही रहा है। भैया एक चीज मैं बताऊं, मैं तो मतदान करने रहूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी वो शादी है एमपी में अच्छा। खास रिलेशन में। हाँ, हाँ। अब भैया शादी को देखना पड़ेगा कि इधर मतदान देती है। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है यार, इसीलिए कहाँ नहीं है भ्रष्टाचार। आज तुम तहसील में भी जाओ, अगर एक थोड़ा सा भी अगर काम कराना तो बिगड़ दिए तो काम होते नहीं। क्यों भाव, आज तुम कोई नेता के पास में भी जाओ, नेता तो डायरेक्ट अपना काम करेगा नहीं, वो बोल देगा फलानी जगह जाओ ठिकानी जगह जाओ। भैया देखो गलत किए हो तो गलत का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। आज मैं कहता हूँ मेरी पार्टी हो या आपकी पार्टी हो, आप मेन हो और आपकी पार्टी में अगर एकाध ने अगर गलत किया तो भैया तो आपको भी लपेटेंगे ना, कि आप मेन हो क्या। देखो भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है यार, इसीलिए कहाँ नहीं है भ्रष्टाचार। आज तुम तहसील में भी जाओ, अगर एक थोड़ा सा भी अगर काम कराना तो बिगड़ दिए तो काम होते नहीं। क्यों भाव, होता है केजरीवाल को जेल भेज दिया, क्या लगता है? अरे केजरीवाल भैया देखो गलत किए हो तो गलत का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। तो तीनों वैक्सीन लिए पर हमको तो कुछ भी नहीं, तीनों डोज हमको तो कुछ भी महसूस नहीं। टोटल महिला की फ्री से आधी आधी कोई हो चाहे बड़ी हो चाहे दोनों का ब्रेकडाउन ऐसा है कि अब ये जो कांग्रेस की तरफ से खड़ा हुआ ये अपने नदी के पास का अच्छा। कन्हन का अच्छा। रहने वाला हाँ। और जो सेना वाला है वो उमरेट के उमरेट का अच्छा लोकल कैंडिडेट को नहीं आ रहा है तो उसका असर पड़ेगा लोकल का, कुछ असर पड़ेगा नहीं लोकल पर, सिर्फ बाहरी का असर पड़ता है। अब ये क्या है अपने नजदीक पास का है इसलिए लोग जरा पासाई वाले को देखेंगे ना। तो जैसे योजनाओं का क्या हाल है, अभी केंद्र सरकार ने योजनाएं तो बहुत सी लागू नहीं, योजनाएं तो बहुत दिया पर मिल रही है क्या करीब, कोई फ्री में मिल रहा है, निराधार वाले को 1500 रुपए दे रहा है, और काश्तकारों को भी, किसानों को भी मिल रहा है, किसानों को भी जो भी दे रहा है दे ही रहा है। तो ये बताइए जैसे अभी तो चुनाव होंगे आप लोग जब वोट करेंगे तो देखेंगे चुनाव लड़ रहे हैं आप उसको देखेंगे कि मोदी के नाम पे भी लोग वोट करेंगे। भैया एक चीज मैं बताऊं, मैं तो मतदान करने रहूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी वो शादी है एमपी में अच्छा। खास रिलेशन में। हाँ, अब भैया शादी को देखना पड़ेगा कि इधर मतदान दे। पर मैं मतलब हाँ। पूछ रहा हूँ कि जैसे लोग जब वोट करते हैं तो ये चीज देखते हैं क्या कि आवास योजना का लाभ मिला, आवास योजना का लाभ भी मिला है
उसमें भ्रष्टाचार है कि नहीं? देखो भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है आज, इसीलिए कहाँ नहीं है भ्रष्टाचार है। आज तुम तहसील में भी जाओ है, अगर एक थोड़ा सा भी अगर काम करा रहा तो बिगड़ दिए तो काम होते कि नहीं, क्यों भाव है? तो भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, है? आज तुम कोई नेता के पास में भी जाओ, नेता तो डायरेक्ट अब तक काम करेगा नहीं, वो बोल देगा फलानी जगह जाओ ठिकानी जगह जाओ, डायरेक्ट आपसे मिलेगा ही मिलेगा नेता जरूर, पर आपको डायरेक्ट करेगा कि आप उस बंदे से जाके, उस बंदे से जाके मिलो। अब वो बंदा तो आपका कोरे हाथ काम करेगा नहीं है, तो भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ के वो तो हो ही गया ना। सही बात है। रोजगार के मामले में क्या फैक्ट्री के बारे में अभी सर्वे हुआ है, जो रोड गया है और वो मंथल से माहौली रोड गया है, इसके भी उसमें सर्वे हुआ है। अब देखो फैक्ट्री वगैरह लगती है, बट ऐसी ग्रोथ हो गई है यहाँ पे, लेकिन अब कब तक है वो? तो मुद्दा क्या है अभी, जैसे आप जानते हैं, मुझे लगता है कि आप राजनीति के बारे में जानकारी रखते हैं, मुद्दा है केजरीवाल को जेल भेज दिया, क्या लगता है? अरे केजरीवाल भैया देखो, गलत किए हो तो गलत का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। आज मैं कहता हूँ, मेरी पार्टी हो या आपकी पार्टी हो, आप मैन हो, और आपकी पार्टी में अगर एकांत ने अगर गलत किया है तो भैया मेरे को आपको भी लपेटेंगे ना, कि आप मैन हो क्या? तो ये बताइए, जैसे ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार, इनका देखा जाए तो कांग्रेस और बाकी पार्टियों से भी भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट आ रहे हैं। एक बात मैं ये बोलूंगा आपको, आज जो 2 लॉकडाउन पड़े अगर मोदी जी की जगह में दूसरा, अगर उसकी पार्टी का अगर प्रधानमंत्री रहता या और भी दीगर पार्टी का प्रधानमंत्री रहता, तो मैं तो बता रहा हूँ कि कम से कम 25% पब्लिक राम नाम सत्य हो जाता। वो तो मोदी जी की मेहरबानी है कि उनने कैसे क्या किए, उनकी मेहरबानी है। दूसरी बात, वह अपने यहाँ पे वैक्सीन तैयार करवाए हैं। अब कोई भी लोग बोलते हैं कि हमको वैक्सीन से नुकसान हुआ है, ऐसा हुआ, पर हम तो तीनों वैक्सीन लिए, पर हमको तो कुछ भी, तीनों डोज, हमको तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो ये बताइए, जैसे लॉकडाउन जब लगा था तब भी राहुल गांधी जी काफी विरोध कर रहे थे कि अभी लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, फिर वैक्सीन बनी तब भी विरोध हो रहा था, तो उसके बारे में क्या? वो तो ऐसा है, देखो हर पार्टी का अलग अलग सुझाव रहता है वैक्सीन के बारे में भी। अब वो वैज्ञानिक के द्वारा खोज निकाले होंगे, पर वैक्सीन तैयार कर नहीं, वैक्सीन को वैज्ञानिक को ही आप कुछ फंडिंग वंडिंग की है, और बहुत जल्दी बिस्तर पे काम, और कई इक्विपमेंट्स मेडिकल फैसिलिटी मेरे ख्याल से कोविड के बाद इंडिया की काफी है ना। कोरोना के टाइम में आप लोगों को भी कुछ हेल्प वगैरह मिलती थी, राशन वगैरह का? राशन मिला, गरीबों का कोरोना के टाइम राशन मिला, फ्री भी मिलता था, और पैसे का भी जो मिलता था ना, तो वो भी फ्री कर दिया, यानी डबल राशन आपको। जैसे अगर वर्तमान सरकार की बात की जाए, मोदी जी 10 साल पूरा कर लिए, कैसा रहा उनका ओवरऑल? कार्यकाल अच्छा रहा, कार्यकाल उनका अच्छा रहा, ना कोई मोदी की। आज देखो चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम में पावरी डिस्ट्रिक्ट हुआ था, राम मंदिर का मनमुद्दा उस समय पर उठा था, बस आज मोदी की और मोदी की मेहरबानी से आज अपने राम मंदिर तैयार हो गया। तो वो भी एक फैक्टर है कि लोग ये भी सोचते हैं कि राम मंदिर बनवा दिए, हिंदुत्व के मुद्दे पर भी वोट करते हैं, है ना, वो एक भावनात्मक होता है। तो ये बताइए, जैसे महिलाओं को फ्री है, मामा हो गए वो आया आज है। अगर कोई महिला अच्छे समृद्ध घर से आती है तो वो ऐसा नहीं है, पूरी महिला, टोटल महिला, तब तो फिर वही हो गया ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टोटल महिला, टोटल महिला, टोटल महिला की फ्री से आधी आधी, कोई हो चाहे बड़ी हो चाहे। तो नहीं, तो जिनको जरूरत नहीं है उनको क्यों?
बल्कि गरीबों का फ्री में कर दो कि आपका महाराष्ट्र सरकार किसी को देती है तो आपका ही पैसा लेके आपसे दूसरे को देती है, मतलब है ना। चलिए अच्छा लगा आपसे, और कोई जो जानकारी लेना है सरपंच साहब से जानकारी ले लो। सरपंच है हाँ। तो सरकार को एक अलग होगी सरकारी निधि आती है कि आप अपनी ग्राम पंचायत में इतना खर्च कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में समस्या यह है कि सरपंचों को बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं मिली उनके पास, जो भी है डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट काम हो रहा है, सरपंचों के खाते में छोटा मोटा रकम आ रहा है, पहले जैसा नहीं रह गया, ये शिकायत है। आपको क्या है? हमारे इतना बोलिए इतना बताओ, आपने तो कोई योजना इतना है कि जैसे बड़ी योजना है तो डायरेक्ट केंद्र होता अच्छा ग्राम पंचायत पैसे नहीं आता, हाँ करोड़ों में टिका जाना है जल हर गल जल वाला काम है, तो केंद्र होता है 10 लाख तो कौन कौन सी आपको लगता है कि योजनाएं वाकई में ऐसी है जो गरीबों को या जिनको मिलना चाहिए उनको प्रॉपर तरीके से सरकार मदद कर पा रही है? हमारे यहाँ बहुत अच्छी चार पाँच योजना है, पंचायत जो बोलो वो मंग जाता मिल जाता। अच्छा हम लोग साल का लिमिट रहता है, ऐसा है। और सरकार भी अभी स्टेट में भी और उससे पहले कभी कुछ प्रॉब्लम होती थी कि हां पहले 10 साल पहले अच्छा क्या समस्या लगा पैसा ही तो ऐसा अचानक क्या हुआ, इतना पैसा कहां से आ गया? क्योंकि मुझे ऐसा पता चला कि ग्राम पंचायतों में अभी बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा बहुत काम हो रहा है जितना मतलब हो सर मतलब पैसा होता किसका माहौल है आपके क्षेत्र में अभी तेरे पार्टी का जैसे आपको शिवसेना कैंडिडेट का कैंडिडेट है ऐसे वोट खाएगी जैसे आत्मीया वाले अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर।